आगामी 10 जून से विभागीय क्रीड़ा संकुल में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बुलढाणा छोड़कर विदर्भ के 10 जिलों के युवक इसमें शामिल होंगे। ये जानकारी सेना भर्ती कार्यालय के संचालक कर्नल आर जगत नारायण ने पत्र परिषद में दी। लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए 6,354 युवकों का 10 से 17 जून तक शारीरिक व चिकित्सक परीक्षण होगा। पत्र परिषद में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, लेफ्टिनेंट कर्नल भुवन शाह, उप जिलाधिकारी मीनल कलस्कर, उप जिलाधिकारी शिवराज पडोले उपस्थित थे। जून से जैसे कि पिछले साल हमने अग्निवीर भर्ती जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट की थी उसी धरती पे इस बार भी 10 से 17 के बीच में मानकापुर विभागीय क्रीड़ा संकुल में हम ये अग्निवीर भर्ती इस बार भी आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंबाइंड एफर्ट से होने वाला है। इस बार लगभग 6,500 कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट ड्रिल में पार्टिसिपेट करेंगे और पिछले साल 60,000 लोगों का हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया था उसमें से जो हम सीखे हैं और इस बार पिछले बार से भी अच्छी तरह से हमारा ये भर्ती और ये जो ड्रिल है ये करने का हमारा प्रयत्न रहेगा और निश्चित ही सभी तीनों डिपार्टमेंट आर्मी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट सबसे जॉइंट एफर्ट के साथ हम ये 100% अच्छे तरह से इस बार हम ये भर्ती करेंगे। इसके अंदर में पहले जो प्रोसेस था उसमें पहले फिजिकल एग्ज़ाम्स होते थे रिक्रूटमेंट के अंदर में, उसके बाद में शॉर्टलिस्ट जो फिजिकल्स पास होते थे और मेडिकल पास होते थे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, फिर उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनती थी उसके अनुसार अग्निवीरों का एनरोलमेंट होता था। अभी आज की डेट में जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके हिसाब से पहले रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है जिसमें मेजर कट ऑफ निकला है और उसके बाद में जैसे लास्ट ईयर हमने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के ऊपर अग्निवीर रैली के अंदर में कैंडिडेट्स का यहाँ पे एनरोलमेंट की प्रोसीजर की थी, इस बार 10th जून से लेके 17th जून के बीच में जो आपका अग्निवीर का जो भर्ती रैली हो रहा है इसमें 6,500 अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा 6,500 कैंडिडेट्स आएंगे। ये भर्ती रैली 10th जून की सुबह और 9th जून की जो रात 12 बजे से शुरू होगा और 17th जून तक चलेगा। इसमें हर दिन के हिसाब से बैचिंग हो रखा है कि हर दिन कितने लोग आएंगे उनका नंबर दिया गया है, उसी के हिसाब से इनका फिजिकल एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर चालू रहेगा। इसमें जैसे कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा नफरी स्ट्रेंथ थी हमारे पास में, बट जिला प्रशासन और आर्मी के जो हेल्प रहा है उसके चलते काफ़ी सक्सेसफुल रहा था पिछली बार भर्ती रैली। इस बार भी हमारा यही उम्मीद है और अभी तक की जो तैयारियां चली और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो यहाँ पे सपोर्ट मिला है उसके चलते हम वी आर लुकिंग अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी जो आने वाले भी जो दिन में जो शुरू होने वाला है भर्ती रैली ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहेगा इसके अंदर में। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।